सो मिस्टर क्लैस, आपका क्वेश्चन था कि टोनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या उसके डैड। देखो, बात की जाए अगर हार्वर्ड स्टार्क की, तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस की बदौलत शील्ड की कई टेक्नोलॉजीज बनाई। कैप्टन अमेरिका वाले सुपर सोल्जर प्रोग्राम के मेन सुपरवाइजर बनकर उसे एग्जीक्यूट किया। स्टार्क इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सब कुछ अपनी मेहनत से। कई इन्वेंशन किए, स्टार्क एक्सपो प्रोग्राम बनाया और टोनी के लिए स्टार्क एक्सपो मॉडल बनाया, जिसमें एक नया एलिमेंट पहले से ही खोज कर उसे छुपा दिया, जिसे टोनी नए आर्क रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सके। अगर अब बात की जाए टोनी स्टार्क की, तो इसमें कोई शक नहीं कि टोनी जितना इंटेलिजेंट ह्यूमन पूरे अर्थ पर नहीं है। ये भी सच है कि टोनी सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ था, उसके पास सारे रिसोर्सेज थे। बात की जाए अगर टोनी के अचीवमेंट्स की, तो उसने अपना सबसे पहला आर्मर केव में बनाया था। टोनी ने सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना MIT से पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। टोनी इतना स्मार्ट था कि हर सिचुएशन के लिए उसने आर्मर बनाया हुआ था, जैसे हल्क के लिए हल्क बस्टर, स्पाइडरमैन और पेपर के लिए आर्मर। बंदा अकेले ही थैनोस से भिड़ गया। टोनी ही था जिसने टाइम ट्रेवल के प्लान को पॉसिबल बनाया और एट द एंड खुद को सैक्रिफाइस कर दिया।